राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन से आप सबको जो है मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। आप सबके जीवन में मकर संक्रांति आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास और नया ओज, नया उत्कर्ष लेकर के आए, ऐसी श्री बांके बिहारी की चरणों में सतत प्रार्थना है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि संक्रांति किसे कहते हैं? है? रवे संक्रमणम रासौ संक्रांति रीति कथते, स्नान दान जप साध्य होमादिशु महात्फलम। अर्थात जो है जिस संक्रांति में, संक्रांति वो होती है जब सूर्य जो है एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है, संक्रमण करता है, उस संक्रमण को ही जो है तो संक्रांति कहते हैं। और उस संक्रांति, हर एक संक्रांति का अपना एक पुण्यकाल होता है। उस पुण्यकाल में जो है आप किसी पुण्य स्थान पर जाकर के किसी नदी में, किसी सरोवर में, किसी कुंड में जाके स्नान करें, दान करें, जप करें, होम करें, तप करें, तो उसका अनंत गुणा जो है तो फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र गुणा जो है अधिक फल की प्राप्ति होती है। यह संक्रांति भी मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति आमतौर पर जो है लोग 14 जनवरी को मनाते हैं, किंतु यह मकर संक्रांति 14 जनवरी को रात्रि में अर्थात 15 को प्रातः 4:08 प्रातः सूर्य जो है मकर में प्रवेश करेंगे। और हर एक संक्रांति का अपना एक पुण्यकाल होता है। इस संक्रांति का पुण्यकाल जो है 40 घटी का है। 40 घटी का मतलब होता है 16 घंटे। तो 16 घंटे अगर हम इसमें जोड़ दें तो सीधे सीधे जो है 20:08 हो जाता है। अर्थात जो है यह शाम के 5-15 तारीख को शाम के 8:08 तक पूर्णकाल रहेगा। अर्थात पूरा दिन जो है मकर संक्रांति का पूर्णकाल रहेगा। पूरे दिन जो है आप जप, होम, तप, दान आदि, पुण्य यज्ञ, ये सारे कार्य कर सकते हैं, पुण्य के भागी हो सकते हैं। अब एक विषय ये है कि यह मकर संक्रांति किसके लिए शुभ फलप्रद है और किसके लिए जो है हानि फलप्रद है, इस विषय में जो है तो चर्चा करते हैं। तो मित्रों, यह मकर संक्रांति वृश्चिक, सिंह, मेष, मीन राशि वालों के लिए धन समृद्धि, संपत्ति, कीर्ति, नया उत्साह, नया उमंग, राजकीय कार्यों में सफलता तथा जो है किए गए कार्य सभी सफल होंगे, सद्बुद्धि की प्राप्ति, स्वजन संबंधियों से जो है सुख सौहार्द की प्राप्ति होगी और पुण्य की वृद्धि होगी। नौकरी, व्यापार, कार्य में उत्कर्ष होगा। नए कार्यों का जो है तो पुनः सुनियोजन होगा। यह जो है फल प्राप्त होगा वृश्चिक, सिंह, मेष और मीन राशि वालों के लिए तथा यह संक्रांति जिसकी राशि मकर है, धनु है, तुला है, कन्या है, कर्क है, मिथुन है, वृष है, कुंभ है, उन लोगों के लिए जो है बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अतः उन सबके लिए जो है जप, होम, तप तथा सूर्य नारायण को अर्घ देना मास पर्यंत परम आवश्यक होगा। नित्य सूर्योदय काल में सूर्य नारायण को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें, गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी जो है तो आप कर सकते हैं तो आप जो है बच सकेंगे। क्योंकि यह संक्रांति आप सबके लिए मकर, धनु, तुला, कन्या, कर्क, मिथुन, वृषभ और कुंभ इन राशि वालों के लिए रोग, शोक, भय, अग्नि से संकट तथा चिंता, प्रवास, धन संबंधी परेशानियां, धन की हानि तथा जो है विशेष करके इन व्यक्तियों को जो है क्रोध के ऊपर संयम रखने की आवश्यकता होगी। जब क्रोध के ऊपर संयम रखेंगे तो निश्चित जो है कार्य और पुरुषार्थ की जो है तो सफलता होगी। इसी तरह से कोई भी ग्रह
जब एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जाता है तो हर एक ग्रह का जो है अपना संक्रमण काल, उसकी जो है संक्रांति होती है। ये सूर्य की मकर संक्रांति है। पुनः आप सबके लिए हार्दिक शुभकामना और आगे के वीडियो में अन्य अन्य ग्रहों के ऊपर तथा सूर्य की अन्य राशियों के संक्रमण के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबके जीवन में आनंद हो और श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।